थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर 2021 अनाम मंचुलियान पहला स्टॉक जो आपकी वॉलिश में होना चाहिए वो है फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक में डबल बॉटम के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फॉलो थ्रू मूव देखने के लिए मिल रही है। रेंज कंसोलिडेशन के बाद 83 के ऊपर रेंज एक्सपैंड होता हुआ दिखेगा, जिस केस में इमीडिएट टारगेट ऑन दी अपसाइड 86 का रहेगा। अगला स्टॉक जो आपकी वॉलिश में होना चाहिए वो है मारुति का। मारुति में हायर लो की फॉर्मेशन है, 68.10 के ऊपर फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं 69.40 तक के लिए। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जो आपकी वॉलिश में होना चाहिए वो है सनफार्मा का। सनफार्मा में राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट 799 के ऊपर प्लेस्ड है। 799 के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट ऑन दी अपसाइड 820 का रहेगा। के लिए ऐसा करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशुल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।